हमारी इससे पहले वाली वीडियो के ऊपर काफी सारे कमेंट आए, किसी का कुछ कहना था तो किसी का कुछ। देखो दोस्त, ये जो सिस्टम हमारे पास लगा हुआ जिससे हम 5G अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिस्टम हम आज से नहीं चला रहे बल्कि 3-4 सालों से चला रहे हैं। जब 5G नहीं था तब 4G अनलिमिटेड चलाते थे। इतने टाइम में पता नहीं डाटा पैक्स के प्राइसेस में कितने चढ़ाव हुए, उतार तो हुआ ही नहीं, सिर्फ चढ़ाव हुए। तो ऐसे में हमको एक ही सिम पे स्टक रह करके नहीं रहना पड़ा, हम जब चाहते हैं इसके अंदर की सिम चेंज कर लेते। तो हमारे लिए ये सिस्टम कभी भी महंगा नहीं साबित हुआ, हमने सालाना काफी सारा पैसा बचाया है। अब ये मत बोलना कि पैसा बचाया तो कहाँ रखा। ये सेटअप हमने तब तैयार किया था जब हमारे एरिया के अंदर ना ही तो एयरटेल फाइबर था, जियो फाइबर था, और तो और BSNL का जो ब्रॉड बैंक आता है वो भी नहीं था। तब से ये चल रहा है। फोन के अंदर सिम डाली जो से भी हमारे पास है, इसके साथ कनेक्ट किया एंड उड़ा दिया, जितने चाहे उतने डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट करें। फिर समय बदला, हमारे यहाँ आ गया BSNL का ब्रॉड बैंक, तो हमने भाई वो भी लगवा लिया एंड उसके साथ में हमारी इस वाली डिवाइस को कनेक्ट किया और उसका इंटरनेट स्प्रेड कर दिया। बाकी सारे के सारे डिवाइसेस का कनेक्शन हमको छेड़ना नहीं पड़ा। फिर कुछ टाइम के बाद फील हुआ कि ये जो ब्रॉड बैंक है इसका खर्चा ज्यादा जा रहा है, और जैसे ही हमारे एरिया में लाइट जाती है तुरंत ही BSNL के सिग्नल गायब हो जाते हैं, तो हमको काफी सारी प्रॉब्लम होने लगी एंड हमने इसका कनेक्शन फिनिश करवा दिया। जब दौर आया 5G का तब हमको अपना स्मार्टफोन चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो 4G वाला लगा था उसमें अनलिमिटेड चलना नहीं था, और अनलिमिटेड डाटा तभी चलेगा जब आपका 5G प्लान है। 5G चलाने के लिए हमको 5G फोन लेना पड़ा, और ये फोन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। स्पीड तो अच्छी खासी आ जाती है, लगभग 100 Mbps की स्पीड इससे निकल कर आती है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एयर फाइबर जो हमारा आता है जियो का, उसकी स्पीड जाती है और उसके प्राइस तो आसमान छूते हैं। अभी हमारा सेटअप ऐसा बना हुआ है कि हम किसी की मोहताज नहीं है। BSNL का अच्छा सिग्नल आएगा हमारे एरिया में तो हम इसके अंदर की सिम चेंज कर देंगे, नहीं तो पोर्ट करा लेंगे। वहीं पर अगर हम बाकी सारी लोगों की डिवाइसेस देखें, जैसे कि एयर फाइबर हो गया या फिर जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर हो गया, तो उसमें हम बंधे हुए हैं, उनको मंथली उतना पैसा देना ही पड़ेगा एंड हमको वो पैसे ले भी लेते हैं और फालतू के सब्सक्रिप्शन हमको दे करके रखे हैं अपने प्लान्स के अंदर, जिनकी हमको कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। दिस इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि हमको करनी पड़ेगी। फिलहाल हमारे लिए यूजफुल है, अगर आप आज के टाइम पे इस पर इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपके लिए महंगा बैठे, लेकिन एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, बाकी काफी सारा खर्चा बचाता है। अच्छा, बात कर ले हम इस राउटर के बारे में, तो भैया ये राउटर का मॉडल कौन सा है? हमने 3-4 साल पहले इसको परचेस किया था, तो जो मॉडल हमने परचेस किया था वो अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे राउटर हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों ASUS बनाता है पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे 5G राउटर हैं जो कि बने हैं, बाहर चलते हैं पर इंडिया में अवेलेबल नहीं, आई डोंट नो। तो ये जो हमारे पास रखा हुआ है ये भी है, लेकिन अभी मैं इसको सर्च कर पा रहा हूँ तो हमको ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, हमको कुछ ऐसे राउटर नजर आ रहे हैं जो कि ऐसे USB पोर्ट के साथ में आते हैं, उनका मॉडल नंबर चेंज है। हो सकता है ये फोन के साथ में इंटरनेट कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए, फिलहाल उम्मीद तो यही है कि इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम ही है जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, वही ASUS ने अपने और भी राउटर्स के अंदर इस्तेमाल किए। हमको ये लगता है अगर हमको ऐसे सेटअप से इंटरनेट चलाना है तो कम से कम हमको एक USB पोर्ट चाहिए है जिसके थ्रू हम अपना फोन को कनेक्ट कर पाएं और इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएं, तभी हमारा ऐसा सिस्टम बन करके रेडी हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे राउटर्स हैं भी जिनको हम फोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे राउटर्स चेक करने के लिए जिसके अंदर USB पोर्ट आता है, जिससे कि आप अपना 5G स्मार्टफोन कनेक्ट करके अनलिमिटेड इंटरनेट को स्प्रेड कर पाओ, मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर चला पाओ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे पास है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। हमारे चैनल के ऊपर बहुत पहले की पड़ी हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो किसके साथ में क्या क्या चीजें मिलती हैं एंड ऑल। वैसे तो ये सिस्टम क्यों हेल्पफुल है, क्यों लगाना चाहिए, ये चीज आपके एरिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है एंड आपके पॉकेट के ऊपर भी। ऐसे सिस्टम के अंदर खुद की बुद्धि ज्यादा लगती है, खाली मुनि की टेंशन पाल लो। ऐसे अगर जियो फाइबर वगैरह लगा करके रखा हो तो कॉल लगाओ सर्विस सेंटर पे, भैया नेट नहीं चल रहा, चलाओ आगे, यहाँ पर आपको खुद ही संभालना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपका काफी सारा पैसा भी बच जाएगा। ये वाली वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने इसके सेटअप वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो एडिटर भाई साहब हैं उन्होंने इस राउटर का जो नाम है वो यहाँ पर दूसरा लिख दिया था, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम हो रही कि भैया इसके अंदर आपके USB पोर्ट है, उस वाले में USB पोर्ट है ही नहीं, तो ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो मॉडल है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे आपको मिल जाएंगे राउटर जिसके अंदर USB पोर्ट है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। और ऐसे सिस्टम यूजफुल रहते हैं, चलते हैं, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। लेकिन आखिरकार लगाना आपको, चलाना आपको है, आपकी नीड है तो लगाइएगा, नहीं है कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आई थिंक थोड़ी सी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।